ब्रांच ज्वाइंट या ट्री ज्वाइंट करने का तरीका, और इसके लिए किन किन टूल की ज़रूरत होती है और किस चीज़ की ज़रूरत होती है। आज हम ब्रांच ज्वाइंट करेंगे या जिसको टी ज्वाइंट भी बोलते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा ये चैनल MM आसिफ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस तरह बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बने बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले तो हमें ज़रूरत होती है कंडक्टर की, जो साइज़ हमारी केबल का होगा वही साइज़ हमारे कंडक्टर का होगा। मेरे पास 120 mm की केबल है, 50 mm की केबल का ज्वाइन करेंगे। ये मेरे पास जो कंडक्टर है ये 120 mm एक साइड से है, एक साइड से 50 mm है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक टूल है हमारा, क्रम्पिंग टूल। ये मैनुअल है, इसके साथ हम इसको क्रम्प करेंगे यानी कि प्रेस करेंगे। और ये पीछे से ये आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी का बना होता है। अगर हमारे पास बाज़ूकात लाइट ऑन में भी हमें करना पड़े तो इससे हमें बिजली लगने का डर नहीं होता। ये हमारे पास 120 mm की केबल है, जहां हमने ये टी ज्वाइंट करना होता है वहां से हम इसको कनेक्टर, जहां जितना हमारा कनेक्टर का साइज़ होता है उस साइज़ से हम इसकी इंसुलेशन उतनी जगह से उतार लेते हैं। ये देखिए मेरे पास नाइफ़ है, मैं नाइफ़ की मदद से इससे इंसुलेशन उतारूंगा। केबल जो हमारे पास होती है इसकी केबल थोड़ी सी हार्ड होती है, ये थोड़ी मुश्किल से उतरती है। और ये हमारे पास कंडक्टर, ये देखिए एक साइड 50 mm और दूसरी साइड से 120 mm का है। 120 mm का हमने लगा दिया, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं एक साइड से ये हमने केबल इसके अंदर लगाई और इसको ऐसे बंद कर दिया। अभी जो हमारे पास 50 mm की केबल है ये आप देख सकते हैं, ये हमने ऐसे लगानी है, लगा के इसको भी अच्छे से बंद कर दिया। इसको बंद करने के बाद हम अपने क्रम्पिंग टूल की मदद से इसको प्रेस करेंगे। इसको तीन जगह से हम क्रम्प करते हैं, दोनों साइडों से और एक सेंटर से। ये देखिए ये हो गया, उसके बाद ये भी हो गया दो दफ़ा, ये हो गया तीन दफ़ा। ये क्रम्पिंग इसकी मदद से, ये जो आपने अभी कनेक्टर इसमें हमने लगाया ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है और इससे कभी भी केबल बाहर आने का खदशा नहीं होता। इसकी मेन वजह ये होती है कि ये बना ही इसलिए होता है, और ये हमें अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हमें इसको काटना पड़ता है, इससे केबल निकलती नहीं है अगर एक दफ़ा इसको क्रम्प कर लें तो। ये देखिए उसके बाद हमने इस पर कवर लगा दिया। कवर लगाने के बाद ये देख सकते हैं आप हमारा टी ज्वाइंट या इसको ब्रांच ज्वाइंट बोलते हैं वो हमारा कम्प्लीट हो गया। तो अगर हम इस केबल की बात करें तो ये केबल अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए ये इस तरह की केबल होती है जिसको हम ज्वाइंट करने में अक्सर हम काम करते हैं। ये फोर कोर होती है, आप देख सकते हैं एक न्यूट्रल है और तीन फेस होते हैं इसमें। ये देखिए ये एल्युमिनियम की है, इसी केबल को हमने ज्वाइंट किया है। इसी तरह ज़रूरत होती है हमें करने की। अगर हम बात करें कि ये हम कैसे करते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये वो लाइन है जो जा रही है ऊपर, आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो भी देख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए ये हमारा ज्वाइंट है जो हम करते हैं,
उसके बाद ये मीटर में बिजली आ जाती है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि वो तीन दो फेज़ जो भी होते हैं अलग अलग, ये यहाँ ऐसा काम नहीं है। ये फोर कोर आती है, उसी में हम इसे टी ज्वाइंट करते हैं और नीचे मीटर में तार आ जाती है, बिजली आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।